साथियों, आज सही मायने में हिमाचल भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई रोशनी देने के तैयार है और मेरे इस विश्वास के पीछे हिमाचल के संबंध में मेरी जो अपनी समझ है उसके आधार पर मैं इस विश्वास से कह रहा हूं, हिमाचल बिजनेस के लिए ही हर जरूरी शर्त को पूरा करता है। बिजनेस के लिए पीस चाहिए, वो हमेशा हिमाचली की ताकत रहा है। डाइवर्सिटी को स्वीकार करने वाली सोसाइटी चाहिए, वो हिमाचल में हमेशा मौजूद रही है। यहां ज्योग्राफिकल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी बहुत अधिक है। एक दूसरे की बोली कई बार समझ तक नहीं आती, लेकिन एक दूसरे से जुड़ाव अद्भुत है। इसके साथ साथ हिमाचल देश के उन राज्यों में है जहां लिटरेसी रेट हाई है। हिमाचल के कोने कोने में आपको व्यापार व्यवसाय में लगे हुए लोग कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। वो सरकार का इंतजार नहीं करते, जो भी संसाधन उनके पास होते हैं वो उन्हीं से शुरुआत कर देते हैं। यहां के लोगों के भीतर एक स्वाभाविक उद्यम भावना है जिसका लाभ निवेशकों को लेना होता है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश देश के रक्षा क्षेत्र का भी बहुत बड़ी एक प्रकार से शक्ति और संबल है। यहां का कोई परिवार, शायद कोई परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिस परिवार में से कोई न कोई सैन्य में न हो, फौज में न हो, आपको कोई नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है, आप हिमाचल के किसी गांव में जाके बैठोगे, क्योंकि मेरा यहां काफी अनुभव रहा है, और गांव वालों से बातें करोगे तो एक प्रकार से आपको वहां लघु भारत मिलेगा। लघु भारत इस अर्थ में कि जो बैठे हुए लोग कहेगा, कोई कहेगा मैं केरल में 6 महीने रह चुका हूं, कोई कहेगा मैं आंध्र में 5 महीने काम करके आया हूं, कोई कहेगा मैं जम्मू कश्मीर में 6 महीना रह के आया हूं, यानी पूरे हिंदुस्तान का अनुभव हो, ऐसा हर गांव में कोई ना कोई तो आपको मिलेंगे ही। मतलब कि पान इंडिया की समझ वाला पूरा क्षेत्र, ये बहुत बड़ी ताकत है। अनेक भाषा बोलने वाले लोग, आपको हर भाषा के 10 वाक्य बोलने वाले लोग तो हिमाचल के हर गांव में मिल जाएंगे, क्योंकि फौज में रहे और लोगों के साथ रहे तो कोई तेलुगु बोल लेता है, कोई तमिल बोल लेता है, कोई गुजराती बोल लेता है। यानी ये ताकत अपने आप में हिमाचल की बड़ी विशेष ताकत है। हमारे रिटायर्ड फौजियों के तौर पर हिमाचल प्रदेश के पास उनका अनुभव बहुत बड़ा स्किल सेट है। डिसिप्लिन लोग हैं, मजबूती है, मेहनत करने को तैयार है अनेक सेक्टर्स के लिए, और विशेषकर डिफेंस इंडस्ट्री के लिए मैन पावर बहुत काम आ सके, ये नेचुरल ताकत हिमाचल में पड़ी हुई है। साथियों, हिमाचल की कम्युनिटी और यहां का पोटेंशियल, आपकी कैपिटल और सरकार की पॉलिसी में क्लैरिटी बहुत बड़े परिवर्तन का माध्यम बनेगी। और जब आप यहां के युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देंगे, उनके टैलेंट का उपयोग करेंगे, तो ये लाभ कई गुना बढ़ जाएगा।